लेडीज पार्टी हमेशा से सोचती है कि व्लॉग में दिख जाए सभी लोग। हमारी कितन मंडली की बहनाएं और माताओं और बहनों, इनको गाली गलौज कुछ नहीं आता है। भारत सरकार को विनती करती हूँ, हमारा महिला मंगल दल ये बुरा किसका नहीं करती है, सबका भला चाहती है, भला चाहती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एंड्रू व्लॉग। आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपकी पूरी फैमिली को, और हैप्पी नवरात्रि भी। नवरात्रि भी है आज, और आज से नया साल भी लग रहा है हिंदू कैलेंडर में, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज वैसे मौसम साफ़ है, बारिश भी नहीं हो रही, बट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फिलहाल अभी पूजा पाठ नहीं कर रखी हमने, नहा धो के हम लोग तैयार हो रखे हैं, पूजा पाठ करने की तैयारी हो रही है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आपको भी होगी तैयारियाँ? होगी। अच्छा, फूल उल तोड़ लाई। और अब आपको दिखाता हूँ मौसम आज का, ये रहा कुछ ऐसा मौसम, ठंडा है आज। इधर कोहरा लगा हुआ है, ऊपर कोहरा, आज नीचे नहीं है कोहरा, आज ऊपर ही है ये, इतना पूरा कोहरे से ढका हुआ आज। कितना ठंडा हो रहा है मम्मी? बहुत ठंडा हो रहा है, ठंड से हालत ख़राब, हालत ख़राब हो गई रखा है। हाँ, तो ठंडा कुछ ऐसे हो रहा है कि ठंडा पैरों में लग रहा है, हाथ में लग रहा है, नाक में लग रहा है, बॉडी में नहीं लग रहा है। ऐसे नहा लिया तो नहाने के बाद ठंडा कम हो गया। ऐसे पापा से भी मिलाते हैं, पापा फूल माला बना रहे हैं आज। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नवरात्रि को। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ गुड, पापा आज फूल माला बना रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर के लिए? घर मंदिर ही लगाए, घर मंदिर से नहीं, वो कम है। सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो हम चलते हैं ऊपर कमरे की ओर, मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। त्यौहार होता है जब, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है ना, अच्छी वाली वाइब आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ब्लेसिंग देना मैं भूल गया आप सबको, तो ये जो न्यू ईयर है आप सबकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ और खूब सारी अचीवमेंट्स, खूब सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आए, जैसे कि मेरी लाइफ में अभी तक आई, आगे भी आएगी ऐसी मैं होप करता हूँ। तो आप सबकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशियाँ हैं ऐसी, और आप ऐसे ही हमेशा खुश रहो, यही विश करता हूँ भगवान जी से। और आज से नवरात्रि के 9 दिन तक मेरे फास्ट होंगे, तो 9 दिन तक रोज़ पूजा पाठ काफ़ी अच्छा रहेगा, घर में भी काफ़ी अच्छा माहौल बना रहेगा ना ऐसे। और चलो अब करते हैं तैयारी। तो गैस पूजा हो चुकी है, और कुछ इस तरीके का आज मेरा लुक था, पूरा प्रॉपर जो पहाड़ी लुक होता है, ये टोपी पहने हुए और नीचे धोती भी पहनी हुई मैंने। जब भी पूजा पाठ होती है तो ऐसी ही टोपी पहनते हैं हमारे यहाँ, तो वही टोपी पहन रखी मैंने आज। पापा का फास्ट नहीं है, तो पूजा मम्मी और मैंने की, क्योंकि मम्मी और मेरा फास्ट है इसीलिए।
पापा भी जा चुके हैं दुकान की ओर और मम्मी भी अभी मंदिर के लिए थाली वाली तैयार करेगी, उसके बाद फिर मंदिर भी जाएंगे। तो फिलहाल अब चलता हूँ मंदिर। मंदिर वैसे धोती में तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि धोती में थोड़ा चलने में वो हो जाता है ना, असद जैसी, और इसीलिए मैं धोती चेंज कर ली मैंने। और अब चलता हूँ मंदिर की ओर। मंदिर में पूजा पाठ करके भी आ गया, दिया जल गया और प्रसाद वगैरह भी ले आया। और आज के दिन मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, एक तो पहला नवरात्र भी होता है तो जगह जगह से लोग आते हैं मंदिरों में, कालिका मंदिर भी आते हैं, बट कालिका मंदिर हम लोग कल या परसों में जाएंगे, तो सुबह सुबह जाएंगे। तो फिलहाल अभी धूप भी खिल चुकी है और मौसम सही हो गया और भीड़ भी काफ़ी थी मंदिर में। अच्छा लगता है जब ऐसे ही पूजा पाठ होती रहती है कंटिन्यू। तो अभी मौसम भी धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गया है, गर्मी भी हो रही है, स्वेटर पहना था तो गर्मी होने लगी। 5 hours later तो गाइस इवनिंग हो चुकी है अभी और सुबह से, मतलब ये कितने नंबर की चाय होगी मम्मी, वैसे सुबह से 8वीं या 9वीं या हो सकता है 10वीं हो, तो इसको भी पीते हैं। फास्ट में बस एक ही काम है, चाय पियो चाय पियो चाय पियो चाय पियो चाय पियो बस। वैसे ही बाकी दिन तो कम रहता है बट फास्ट में और ज़्यादा हो जाता है चाय पीना। जो मेरा स्पेशल वाला व्लॉग था न्यू चैनल पे जो टेलीकास्ट हुआ था हमारा, तो वो व्लॉग भी एडिट हो चुका है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ उसको बस। इधर सर क्या करने चाहिए, गिम्बल से स्नाइपिंग कर रहा है, चल चल क्या करने चाहिए, वहाँ कर दो कर दो ना नहीं। फिलहाल नितेश पागल पहुँच चुका है और नितेश और मैं जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर में लेडीज़ पार्टी के कीर्तन है आज, नगर वाणी चल चल मंदिर में लेडीज़ पार्टी के कीर्तन है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। गिम्बल भी ले आए क्योंकि हम लोग ऐसे मंदिर के भी सिनेमैटिक निकालेंगे, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेडीज़ पार्टी हमेशा से सोचती है कि व्लॉग में दिख जाए सभी लोग, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है इस चीज़ के लिए उनको, तो आज सबको व्लॉग में भी दिखा लेंगे। और पिछली बार तो होली में जैसे कि व्लॉग बनाया था वो व्लॉग डिलीट हो गया था, बहुत बुरा लगा था उस टाइम पर, तो आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज सबकी वीडियो लेके सबकी वीडियो प्रॉपर ब्लॉग में डालेंगे अभी। तो चलो गुलजू मंदिर में चलते हैं और बढ़िया से मंदिर के सिनेमैटिक निकालते हैं आज और भजन कीर्तन के भी। Thank you.
बाय सर। किस्सा को अच्छी तरह समझना, अच्छा है बुरा है ध्यान रखना। ये कहता है एक हाथ की पांच उंगलियों को, ये कहता है त्योहार आ गया, ये कहता है क्या करते हैं, ये कहता है पैस निकालते हैं, ये कहता है तारे का कौन, ये कहता है खाते हैं पीते हैं चल देते हैं, चल देते हैं धार पांच उंगली के एक हिस्से होते हैं। हमारे काला की महिलाएं बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, महिलाएं बहुत बहुत जागरूक हो गए हैं, इनको गाली गलौज कुछ नहीं आता है, ये तो बिल्कुल भजन कीर्तन होली मगन रहते हैं, ये गायकार हैं, सत्संग वाले हैं, इनको भारत सरकार सरकार को विनती करती हूँ ढोलक मजरा सब दे देना, हमको सब हमारे ग्राम सभा को सब दे देना, हमारा महिला मंगल दल अच्छा है। बल्ल मंदिर के बीच में बोल रहे हैं, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हम महिलाओं को, हमारा गांव बहुत आगे बढ़े, हमारा गांव आगे बढ़े, हमारी एक नीमा दीदी है, ये बहुत अच्छी महिला है, इसको मतलब जहाँ कहो वहाँ आ जाती है, ये सामाजिक महिला है, हाँ ये बुरा किसका नहीं करती है, सबका भला चाहती है, भला करती है, हाँ ये सबको बहुत दान दाता है, इसके घर में एक मटर का कोसा भी होगा दूसरे को दे दे, इसके घर में दो गिलास मिठा होगा तो ये उतार दे, वो उतार दे एक गिलास, और हमारे महिलाएं को धन्यवाद करती हूं मैं, और अपना अपने कीर्तन को यही समाप्त करती हूं आगे को। अब घर को भी जाते हैं, व्रत है, पूजा पाठ करना है, अकेली खाना बनाना है, महिला हूं मैं, मैंने खाना भी बनाना है, हां ए बुड्ढे जी है घर में, वो भूख से तड़प रहे होंगे। हेलो भाई, चैत्र नाटू की बधाई है, नौ वर्ष की बधाई, पूरा हिंदुस्तान में नौ वर्ष की बधाई, देवी कृष्णा को भी बधाई हो, हमारे यहाँ की भजन कीर्तन, ओके भजन कीर्तन मंडली द्वारा हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हाँ सब चल पड़े घर की ओर, अब बाकी कीर्तन कल होंगे, अब चलो हम आते हैं ठीक है 10-15 मिनट में। तो गाइस आज का काम कंप्लीट हो गया, और शाम को पता भी था हमें भजन होने वाले हैं, और हम लोग आ भी गए, वीडियो भी बना ली हल्की फुल्की जो भी थी, मतलब एक दो भजन की छोटी सी, और अभी मंदिर के सिनेमैटिक भी निकाल दिए, बस अब चल रहे घर की ओर, और हवा भी चलने लगी, फिर से मौसम बन गया यार बारिश का, चारों तरफ से पूरा अंधेरा अंधेरा सा ही दिख रहा है, बहुत अंधेरा हो गया। ताई जी भी है हमारे साथ, ताई जी रुको ना, ताई जी भी आगे आगे कुछ चल रही है, रुको दगड़े जाना, काफ़ी टाइम बाद कैमरे में दिखेंगे ताई जी, पचल का चाहो दे ये बहो, हाय करो दे, हाय हाय करो इसकी, ये वो करो तो ताई जी, अरे की वो पे ताई जी कह रही है, हाथ हिला रही थी बोलेंगे बल, ताई जी वो हाथ तो हिलाओ, इक्का वो इसके हाथ हिला दियो, नहीं लो ना, हाय तो करो पे वो नहीं बोलेंगे लगनी। जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेव, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, गड़वन का भोग लागे संत करे सेवा। तो देवी और सज्जनों, अपना रात्रि भोज ग्रहण करने के पश्चात मैं आ चुका हूँ अपने शयन कक्ष में, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, तो गाइस डिनर करके अपने रूम पे आ चुका हूँ, और अब समय है इस वीडियो को समाप्त करने का, और उम्मीद है आप सबको आज के दिन का ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी ये पूजा स्पेशल वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी, शुभ रात्रि।
वह रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ यार, देखूं। हो गया, चलो ठीक है, बाय बाय बाय।